तो हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं सना क्या हाल चाल है और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे जुड़ जाइए फिर इसके बाद हम लोग बड़े डिटेल में चर्चा करेंगे तो देखो ज्योग्राफी की नई सीरीज स्टार्ट हो गई नए शुरुआत से बिल्कुल ज्योग्राफी अच्छे तरीके से हम लोग कर लेंगे और जैसा कि मैं जानता हूं आप लोगों ने जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आर ओ में देखे होंगे इस बार तो जिन लोगों ने भी प्रीवियस क्लासेस मेरी करी थी मुझे लगता है कि वो एटी टू नाइनटी परसेंट क्वेश्चन कर ले गए होंगे है ना क्योंकि मैंने बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से चीजों को आपको समझाया था और ज्यादातर सवाल के थे और मैप एक्सरसाइज भी खूब कराई थी और लास्ट में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यूट्यूब के ऊपर मैंने सात आठ क्लासेज आप लोगों के लिए कंडक्ट uh, किया था उन्हीं में से सात आठ क्वेश्चन आ गए थे तो अगर जिन लोगों ने भी अच्छे तरीके से फॉलो किया था उन लोग वो लोग बहुत अच्छे से सारे सवाल करके आए होंगे तो उम्मीद है कि अब जो नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल शुरुआत से आप लोग क्लासेस क्लासेस में में रेगुलर रहेंगे। में रेगुलर रहेंगे देखो रहना जरूरी है क्योंकि ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल है हर जगह कुछ बातें होती हैं कुछ चीजें समझाई जाती हैं अगर चीजों को आप समझ जाते हैं तो आपसे सब कुछ आसान हो जाता है लेकिन अगर आप समझने का प्रयास नहीं करते हैं रटने का प्रयास करते हैं तो अब एग्जाम का लेवल इतना ऊपर हो चुका है कि आसानी से सवाल लगने वाले नहीं है, है ना याद है आप लोगों को झूम के बारे में बार बार मैंने कहा था कि झूम आ सकती है पढ़ लो अच्छे तरीके से तो जिन लोगों ने पढ़ा और मैंने पूरा एक लिस्ट भी देकर बताया था कि कौन कौन से देश में झूम खेती कहां कहां पर होती है क्या क्या नाम उसका दिया जाता है सेम क्वेश्चन आ गया तो ऐसे ही जितना भी मैं बता रहा हूं वो सारे क्वेश्चन आएंगे ठीक है ना चलो ठीक है देखो कई लोग बता भी रहे हैं कि हाँ जो भी सवाल मैंने बताए थे वो सब आ गए लेकिन एनी वे तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं जियो ग्राफी की और ज्योग्राफी के अंदर हम लोग यहाँ पे जियो से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की जो क्लासेस हैं जो मैंने पहले ले रखी थी वो आप जाए तो यूट्यूब पे आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी इसके अलावा ये क्लासेस होने के बाद जैसे ये जियो का पहला पोर्शन कंप्लीट होगा हम लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को यानी कि अक्षांश और देशांतर को फिर से समझाएंगे लेकिन यहाँ हम स्टार्ट करते हैं जियो से ठीक है ना सर ओ, जीरो से ज्योग्राफी क्लास कराएंगे प्लीज बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है एकदम जीरो से शुरू करेंगे यहां से आप साथ में चलेंगे कोई भी नेक्स्ट एग्जाम जो भी होने वाला है अगर ये री एग्जाम कंडक्ट होता है देखो अभी तो कुछ बात भी सामने आई है कि आयोग ने अंठावन जिलों में जो मजिस्ट्रेट जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया था उनसे इंफॉर्मेशन भी मांगा है और बच्चों ने बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस की आप लोगों ने आप लोग जैसे लोग गए और बताया आयोग को कि देखो ये ये

पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम समझेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो उत्पत्ति को ही समझ लेते हैं तो देखो ऐसा माना जाता है इसके लिए कई सारे थ्योरी है जिसमें से अगर मैं बात करूं तो नेबुला थ्योरी की परिकल्पना की गई थी ये इमेनुअल कांट के द्वारा इमेनुअल कांट के द्वारा ये परिकल्पना की गई थी और बाद में इसी को मॉडिफाई किया गया परिवर्तित रूप से इसी को परिवर्तित परिवर्तित रूप से यानी कि क्या हुआ परिवर्तित रूप से इसको यानी चेंज किसने किया थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज लेकर आए कौन लैपलास लैपलास के द्वारा लाया गया और इसके बाद एक और थ्योरी है जिसे आप लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं है ना तो जरा देखते हैं इसी के बारे में हम समझेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो जो हुई हुई वो कैसे हुई? जो आपका ये नेबुला है, ये नेबुला नेबुला थ्योरी थ्योरी है है कहना क्या चाहता है? देख लेते हैं जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं तो देखो नेबुला थ्योरी क्या बात करती है नेबुला थ्योरी ये कहती है कि एक बहुत बड़ा नेबुला था नेबुला थ्योरी का मतलब यहां पे नेबुला की नेबुलर परिकल्पना कहते हैं और थ्योरी ऑफ लेप्लास मतलब लेप्लास की परिकल्पना और ये जो नेबुलर थ्योरी है फाइनली इसको जो कंक्लूड किया है वो लैपलास ने किया है है ना एमेनुअल कांट ने तो इसमें कुछ थ्योरी दी थी परिकल्पना दी थी लेकिन इसको मॉडिफाई करके सही रूप से प्रस्तुत किसने किया था लैपलास ने इसको सही रूप से प्रस्तुत किया था आओ बात करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई तो पृथ्वी की उत्पत्ति की अगर बात करें तो पहले एक बहुत बड़ा एक गैस का चैम्बर था क्या बताया उन्होंने कि इसमें गैस का एक बहुत बड़ा चैम्बर था और इस गैस के चैम्बर में क्या थे गैस के चैम्बर में हाइड्रोजन और हीलियम कौन कौन से हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें यहां पे प्रचुर मात्रा में थी हाइड्रोजन हीलियम लिख दू क्या अलग से हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें थी ज्यादा मात्रा में और भी गैसें थी लेकिन ज्यादा मात्रा में यही गैसें थी और इन गै ये जो गुब्बारा था ये काफी गर्म गुब्बारा था क्या था ये जो क्या है काफी हॉट था गर्म था इसके गर्म होने के पीछे कारण क्या था ये समझेंगे हम लोग तो गर्म होने के कारण था नाभिकीय संलयन क्या था नाभिकीय संलयन संलयन नाभिकीय संलयन ठीक है ना तो नाभिकीय संलयन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन ये प्रक्रिया हो रही थी नाभिकीय संलयन का क्या मतलब हो गया इसका मतलब होता है कि दो छोटे नाभिक दो छोटे छोटे नाभिक एक छोटा नाभिक ये है छोटा नाभिक और एक और छोटा नाभिक ये दोनों मिलकर क्या करते थे ये एक बड़े नाभिक का निर्माण करते थे बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं. इसी को क्या बोलते हैं इसी प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन तो यहां पे जो हाइड्रोजन गैस थी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये मिलाकर क्या बना रही थी हीलियम का निर्माण कर रही थी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलाकर H2 और H2 का निर्माण होगा तो यही क्या हो जाएगा बाद में ये हीलियम बन जाएगी है ना तो दो हाइड्रोजन बनकर क्या निर्माण हो रहा था हीलियम का निर्माण हो रहा था बात समझ में आई तो जब ये प्रक्रिया चल रही थी और ये जो हीलियम का निर्माण हो रहा था इसी समय इसी से बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी या ऊर्जा ऊर्जा निकल रही थी और इसी ऊर्जा की वजह से क्या हुआ ये बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया सर प्लीज़ इस बार क्लास क्लास ड्रॉप ड्रॉप ना करिएगा बिल्कुल नहीं करेंगे और पिछली बार भी देखा जाए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी काफी कंप्लीट करा दिया था और उसमें इंडियन ज्योग्राफी थोड़ी बहुत चीजें मुझे पता है कि थोड़ी सी कमी रह गई थी लेकिन मैं इस बार कोई भी क्लास ड्रॉप नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा बिल्कुल इतमिन से रहिए आपकी क्लासेस बिल्कुल रेगुलर होंगी और ज्योग्राफी से ये गारंटी है कि 90 परसेंट क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आएंगे है ना और मंडे से आपको क्लासेस अभी तो क्लासेस जैसे रेगुलर चल रही है वैसे रेगुलर चलती रहेगी साथ में कुछ और भी आपके लिए मैं लेकर आया हूं कुछ अनाउंसमेंट होने वाले हैं और बहुत ही अच्छी चीजें होने वाली है तो वो आपको बताया जाएगा तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए सुमित जी आराम आराम से चलेंगे ठीक है ना जैसे अगर री एग्जाम हो जाता है तो उसके लिए तो मैं आपको बहुत सारा प्रैक्टिस कराऊंगा ठीक है जैसे री एग्जाम के अनाउंसमेंट हो जाता है तो प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट करेंगे और जो कुछ चीजें जो उधर आपको लगता है कि नहीं कम रह गई थी वो पूरा करा दिया जाएगा बाकी ये जो क्लासेस है आराम आराम से बढ़िया से समझा सम्झ, समझा कर चलूंगा जिससे अगर आप दो के पीसीएस के लिए भी जा रहे हैं या आर ओ आर ओ के लिए जा रहे तो भी एक भी सवाल नहीं छूटेगा अगर सारे चीजें अच्छे से किया तो हाँ, बाकी अगर थोड़ा ढीलाई भी रखी तो 90 सवाल तो सवाल ज्योग्राफी से हल कर ले जाओगे आप ठीक है तो चलो करते हैं आगे बढ़ते हैं और उसमें मोडिफिकेशन किसने किया तो मोडिफिकेशन लैपलास्ट ने किया था और नेबुला थ्योरी क्या कहती है कि एक गैस का चेंबर था और उस गैस के चेंबर के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी और और ये चैम्बर क्या था गर्म था और ये गर्म होने का कारण क्या था इसका अभी जल्दी से कमेंट करके बताओ है ना जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग कि इस चैम्बर के गर्म होने का कारण क्लास रुक गई है सर सना कह रही हैं ठीक है ना तो ठीक है क्लास रुक रुक गई है जरा चेक कर लेंगे आप लोग या फिर और लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्लास देखो भाई मुझे यहाँ पे कुछ लोग और भी नजर आ रहे हैं तो दो ही लोग कमेंट कर रहे हैं केवल सना और हिमांशु है सुमित है और लोग भी तो है भाई बताओ कौन कौन लोग हैं साथ में जुड़े हुए मुझे लोगों का नाम भी याद हो जाता है है ना जितने लोग यहाँ कमेंट करते रहते हैं उनका नाम याद हो जाता है और मैं जानता रहता हूं कौन कौन क्लास में रेगुलर रह रहा है तो और बाद में मैं ढूंढता भी हूं कहा गए ठीक है ना इसे मुझे पता चलता है कि आप रेगुलर क्लास में है ठीक है तो बताए ये कौन सी प्रक्रिया यहाँ पे चल रही थी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही थी और यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया चल रही थी देखिए दो प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें एनर्जी निकलती है जहां पे एक होता है नाभिकीय संलयन और दूसरा होता है नाभिकीय विखंडन ये तो नाभिकीय संलयन बताया कि दो छोटे नाभिक आपस में जुड़कर चलो एक मैं इसमें प्लस कर देता हूं यहाँ पे यहाँ पे समझाता हूं जब दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं और इससे एक बड़े नाभिक का निर्माण होता है हीलियम का तो ये संलयन की प्रक्रिया होती है इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है है हाँ ना यह संलयन की प्रक्रिया यानी कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन हो हो गया गया क्या है नाभिकीय संलयन दूसरी प्रक्रिया होती है कि कोई अगर बड़ा नाभिक है बड़ा नाभिक है यह आगे जाके दो छोटे नाभिकों में टूट गया एक छोटा नाभिक ये है मान लो और एक छोटा नाभिक ये है दो छोटा नाभिकों में टूट गया तो इसको बोलते हैं नाभिकीय नाभिकीय विखंडन क्या बोलते हैं नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फीजन न्यूक्लियर फीजन की प्रक्रिया बोलते हैं और इसमें भी ऊर्जा बाहर रिलीज होती है तो याद रखिएगा कि नाभिकीय संलयन हो या नाभिकीय विखंडन हो दोनों ही प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है आजकल जो एटम बम बनाए जाते हैं है ना कौन सा बम एटम बम ये एटम बम किस प्रक्रिया पे है तो यह आपका नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है है ना हिरोशिमा और नागासाकी में ये एटम बम गिराया गए थे ना तो ये किस प्रक्रिया पर आधारित थे ये नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित थे और इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है वहीं पर आप लोगों ने सुना होगा हाइड्रोजन बम का नाम हाइड्रोजन बम है ना हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन बम इस किस प्रक्रिया पर आधारित होता है तो हाइड्रोजन बम यह न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया पर आधारित होता है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है और हाइड्रोजन बम एटम बम से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है बहुत खतरनाक होता है ठीक है ना ठीक है <laughs> क्लास नहीं रुकी है चलने लगी क्लास ठीक है ना सुन रेगुलर नहीं रह पाऊंगा हाँ, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखिए नोट्स जरूर बनाते रहना है ना मैं आपको तो मिलेगा ही साथ में क्या है आपको नोट्स बनाते चलना है साथ साथ में क्योंकि मैं कई सारे फैक्ट ऐसे होते हैं जो मैं बताते चला जाता हूँ और अगर आपने नोट नहीं किया तो फिर आपका बड़ा नुकसान होगा बाद में जाके और वो नोट्स बनाते रहिए आपको मैंने बता दू फिर से जैसे पहली ही क्लास है आपके पास एटलस भी होना चाहिए और ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस होना चाहिए आपके पास में और क्लास में जब आप बैठे तो वो सामने आपके खुला होना चाहिए कभी भी मैं कोई जगह ढूंढने के लिए कहूं या कुछ बताऊं कि हाँ ये चीज देखो यहाँ पे आपको मिलेगा तो वहां पर आप वहां पे तुरंत पहुंचने की क्षमता रखते हूँ और एटलस को बार बार पलट पलट कर आप एक अभ्यस्त बन जाइए कि कौन सा मैप किस पेज पर है लाइक like एशिया का मैप किस पेज पे मिलेगा भारत का किस पेज पे मिलेगा उत्तर प्रदेश का किस पेज पर मिलेगा यूरोप का किस पेज पर अफ्रीका का किस पेज पर ये सारी चीजों का आप अभ्यस्त हो जाएंगे जब तो बहुत आसान हो जाएगा क्लास में पढ़ा रहा हूं मैं और आपने तुरंत क्या किया चेंज करके देख लिया ठीक है ना चलो सना जी नोट्स बना रहे हो चलो ठीक है तो यहाँ पे याद रखना यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है ये हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है न्यूक्लियर फ्यूजन पर और जो आपका एटम बम होता है ये किस पर आधारित है न्यूक्लियर फ्यूजन पर यानी ना कि नाभिकीय या, विखंडन पर आधारित होता है अब वही जो वापस से आते हैं जैसा कि मैंने आपको मैं आपको बता रहा था कि यहां पे लैप्लास के अनुसार क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन जो है जो जुड़ जुड़कर हीलियम का निर्माण हो रहा है सोचो एक हाइड्रोजन बम गिर जाए तो एक छोटा मोटा देश अगर कोई है तो वो खत्म हो जाएगा पूरा और यहां पूरा सूरज जो है उसके ऊपर क्या हमेशा न जाने हजारों हाइड्रोजन बम लगातार फटते रहते हैं इसी वजह से तो इतनी ऊर्जा हमारे तक पहुंच पाती है एनी anyway, वे तो यहां पे क्या हो रहा था बराबर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया चल रही थी और ये जो गोला था ये ऐसे से गोल गोल घूम भी रहा था है ना और इस गोले के ऐसे गोल गोल घूमने के कारण ये हुआ कि इससे कुछ भाग नौ 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 मेजर मेजर पार्ट पार्ट के अनुसार था नाइन क्योंकि पहले नौ ग्रह हुआ करते थे और अब उसको घटाकर कितने ग्रह कर दिया गया है आठ ग्रह कर दिया गया है जो आपका प्लूटो था यानी हिंदी में यम कहा जाता है उसको अब क्या नहीं माना जाता ग्रह नहीं माना जाता उसको माना जाता है ड्वार्फ प्लेनेट यानी कि सूक्ष्म ग्रह माना जाता है तो इसमें से कितने भाग नौ भाग क्या हुए अलग अलग हो गए है ना और ये नौ भाग अलग होने के बाद धीरे-धीरे ठंडे हुए और ठंडे होने के बाद ये सॉलिडिफाइड हो गए यानी ठोस में बदल गए और ये वापस क्या कर रहे थे इसके चक्कर ही लगा देखो ये रहा ने बोला ये गोल गोल घूम रहा था और इसकी वजह से इसके नौ भाग अलग अलग होके इसके क्या करने लगे इसके चक्कर लगाने लगे बीच वाला जो हिस्सा जो नेबुला का बड़ा वाला हिस्सा बच गया वो क्या बन गया वो सन बन गया सूरज बन गया सन था और बाकी सब उसके चक्कर लगाने लगे तो यहाँ पे आपका सूरज और बाकी के सब नौ क्या करने लगे उसका चक्कर लगाने लगे और इस तरीके से हमारे यहां सोलर सिस्टम जो उपस्थित है सौर प्रणाली जो उपस्थित है उसका निर्माण हुआ है बताइए समझ में आया ठीक है ना तो किसका निर्माण हुआ सौर प्रणाली का हमारे यहाँ निर्माण हो गया और अब हम देखेंगे वही सौर प्रणाली के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे इतना समझ में आया और उसी सौर प्रणाली में जो तीसरे नंबर पे जो ग्रह था जो घूम रहा था रही थी वही है क्या पृथ्वी यानी कि अर्थ समझ में आया तो पृथ्वी का ओरिजिन लेप्लास के अनुसार या नेबुलर थ्योरी के अनुसार कैसे हुआ एक गुब्बार बड़े गैस चैम्बर से हुआ है जो बाद में ठंडा गोल गोल घूम रही थी ठंडा होकर क्या हो गई वो ठोस अवस्था में बदली और एक कैसे बदल गई ग्रह के रूप में बदल गई है ठीक है और यही है देखो ये है आपका सोलर सिस्टम ये सन है और ये सारे बाकी के ग्रह हैं सोलर सिस्टम और इस सोलर सिस्टम में मौजूदा समय में कुल कितने ग्रह हैं तो मौजूदा समय में कुल ग्रहों की जो संख्या है वो है आपके आठ ग्रह कितने हैं आठ ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं तो यहां देखते जाओ सबसे पहले बुद्ध क्या है बुध ग्रह इसके बाद कौन सा है शुक्र है फिर कौन सा है ये पृथ्वी पृथ्वी फिर कौन सा ग्रह है मंगल मंगल फिर ये कौन सी ग्रह है भाई बताते जाओ बृह ब्रिह, बृहस्पति बृहस्पति फिर कौन सा ग्रह शनि इसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण और जो यम है वो अब नहीं रहा <laughs> यानी कि अब है लेकिन ग्रह नहीं रहा वो अब सूक्ष्म ग्रह हो चुका है ठीक है ना बोलो भाई इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं ये सारे ग्रहों के बारे में तो एक एक करके इनका क्रम जरूर याद रखना है कर क्रम एक बार फिर से सुन लो बुद्ध शुक्र ठीक है ना फिर आपका पृथ्वी फिर क्या है मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण पृथ्वी कितने नंबर पे है तीन नंबर पर है और पृथ्वी के जो पड़ोसी प्लेनेट है वो दोनों पड़ोसी प्लेनेट इसमें यानी ग्रह कौन कौन से हैं तो मंगल है और कौन सा है शुक्र ग्रह है, है ना? अच्छा सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है इसमें तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है क्या है बुद्ध क्या हुआ भाई राखी शनि को याद करे शनि ग्रह है ना शनि लोग बोलते शनि भारी हो गया है आपके ऊपर यानी कि अब आपके ऊपर कोई समस्या आने वाली है तो शनि से बचने के लिए क्या करिए मंगल व्रत रखिए शनि इधर देखो शनि यहां है और इनसे बचने के लिए मंगल व्रत रखिए मंगल मतलब यहाँ ठीक है हनुमान जी का व्रत रखते हैं और मानते हैं कि हनुमान जी सभी चीजों से मुक्ति दिलाते हैं भूत पिचास सबसे तो ठीक है तो शनि से भी मुक्ति दिला देंगे एनी anyway, तो यहाँ सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है बुद्ध है और सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है वरुण ग्रह है।, है ना ठीक है अब एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो चार ग्रह होते हैं शुरू वाले शुरू वाले चार ग्रह होते हैं इनको टेरिटोरियल टेरिस्ट्रियल 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 प्लेनेट कहते हैं क्या बोलते हैं टेरिस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है और ये जो इसके बाद वाले ये जो चार हैं इनको जोवियन प्लेनेट कहा जाता है क्या बोलते हैं जोवियन प्लेनेट जोवियन प्लेनेट के नाम से जाना जाता है यानी कि यह क्या है टेरेस्ट्रियल ग्रह है और यह कैसे ग्रह है जोवियन ग्रह का नाम दिया जाता है इसका कारण है ये जो ग्रह है ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं कैसे पाए जाते हैं ठोस अवस्था में बाकी ये जो ग्रह है ये गैस स्टेट में है किस स्टेट में है गैसी अवस्था में पाए जाते हैं बोलो भाई समझ में आ रहा है समझ तो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताते चले जाइए आप लोग क्योंकि ये चीजें जो समझा रहा हूं आपको कई बार एग्जाम में इस तरीके सबसे गर्म ग्रह कहा जाए तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है शुक्र क्या है सबसे हॉट प्लेनेट है सबसे गर्म ग्रह है आपसे सवाल पूछा जाएगा और एक बात जो आप लोग सुबह सुबह में देखते हैं ना कि सुबह में देर से जगे तो भी एक तारा चमक रहा है आसमान में या फिर शाम को जब सबसे पहले तारा चमक जाता है आसमान में एक्चुअल में वो तारा नहीं है वो क्या है वो यही है आपका ग्रह ही है यानी कि आपका विनस अंग्रेजी में नाम एक बार देख लो मर्करी विनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून कहा जाता है इसको तो जो सबसे पहले की साया और मंगल की माया वाह वाह जी वा जी शुक्र ग्रह यानी कि anyway, <laughs> तो जो बेनस होता है इसको जो है सिस्टर प्लेनेट कहा जाता है कि अर्थ के ये सिस्टर प्लेनेट है और यही ग्रह आपको सुबह और शाम दोनों टाइम में दिखाई पड़ता है इसी वजह से, से मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से इवनिंग स्टार में भी यही दिखता है तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों इसे ही कहा जाता है अच्छा ध्यान से देखें जो चीज आग के नजदीक होगी वो ज्यादा गर्म होनी चाहिए और जो आग से दूर होगी वो कम गर्म होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे ज्यादा गर्म तो शुक्र दिखाई पड़ रहा है बुद्ध तो गर्म नहीं दिखाई पड़ रहा उतना ऐसा क्यों है कारण है कि ये जो बुद्ध ग्रह है बच्चों बुद्ध ग्रह पे एटमोस्फियर नहीं पाया जाता वायुमंडल नहीं पाया जाता वायुमंडल नहीं है तो गैस वहां पे नहीं पीलेगी ग्रीन हाउस गैस नहीं मिलेगी और ग्रीन हाउस गैस अगर नहीं है तो यहाँ पे ही, जो हीट होता है ना यानी कि जो लाइट आई सरफेस से टकराई एब्जॉर्ब हुई और वापस चली गई यानी जितनी लाइट आई उतनी वापस चली गई लेकिन अगर वहीं पे ग्रीन हाउस गैस पाया जाए लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है मेथेन ग्रीन हाउस गैस है अगर इस तरीके की गैस पाई जा रही है तो जो हीट वापस जा रही होती है ना उस हीट को क्या करते हैं वो रोक लेते हैं ट्रैप कर लेते हैं इसको डिटेल में समझेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पर तो 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 इसी वजह से शुक्र ग्रह क्या होता है ज्यादा गर्म होता है पता है आपको अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस नहीं होती तो जो पृथ्वी का टेम्परेचर एवरेज होता वो माइनस में चला जाता बात समझ में चला जाता उसका टेम्परेचर चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग तो याद रखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं वेनस को या शुक्र को पृथ्वी का क्या बोलते हैं सिस्टर प्लेनेट क्योंकि शेप में साइज में वेट में ये एक ही पृथ्वी के जैसे ही ऑलमोस्ट दिखाई पड़ती है, है ना तो इसमें आप ध्यान से देख लो इनके सेप के बारे में पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा वाला ग्रह कौन सा है तो यहाँ देखो बृहस्पति क्या है सबसे बड़ा ग्रह है एक बात और याद रखना शुरुआत की जो दो ग्रह है बुद्ध और शुक्र बुद्ध और शुक्र इनके पास कोई भी इनका सैटेलाइट नहीं मौजूद है है ना कोई भी उपग्रह नहीं मौजूद है क्या नहीं है उपग्रह आपका इसमें कोई भी मौजूद नहीं है बुद्ध और शुक्र का पृथ्वी के पास है मंगल के पास है बृहस्पति शनि सबके पास इन दोनों के पास कोई नहीं है बुद्ध का एल्बिडो कम है एल्बिडो इज डिफरेंट थिंग ठीक है ना एल्बिडो तो अलग बात हो गई कि कितना वो रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे मेन जो फैक्टर है वो क्या है वो ग्रीन हाउस गैस है ट्रैपिंग ही है ठीक है आओ आगे बढ़ते हैं तो ये समझ में आ गया होगा आठ प्लेनेट किसको टेरिस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं तो शुरू वाले चार को यानी कि आप देखें मर्करी वेनस अर्थ और मार्स को क्या बोलते हैं टेरिस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है और उसके बाद ये जो चार है वो क्या होते हैं जोवियन प्लेनेट जोवियन प्लेनेट गैसियस स्टेट में है और ये जो प्लेनेट है ये कैसे है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं

नहीं भाई बिल्कुल गोल गोल को नहीं घूम रही है बल्कि इसका जो पाथ है कुछ इस तरीके का पाथ है कुछ इस तरीके का पाथ बात समझ में आई तो कभी कभी पृथ्वी जो सूरज से काफी नजदीक होती है और कभी कभी पृथ्वी सूरज से क्या होती है होती है दूर होती है तो यही जो है जो नजदीक वाला स्टेट होता है जो इसको कहा जाता है पेरी हेलियन क्या बोलते हैं पेरी हेलियन है ना यानी कि और जो दूर वाला पोजीशन है उसको कहा जाता है एप हेलियन एप हेलियन एप हेलियन ठीक है अब में बताइए हिंदी में इसको क्या बोलते हैं पेरी हेलियन को हिंदी में क्या बोलते हैं और एप हेलियन को हिंदी में क्या बोलते हैं तो इसको कहा जाता है उपसौर की स्थिति क्या बोलते हैं उपसौर की स्थिति और इसको कहा जाता है अपसौर की स्थिति क्या बोलते हैं उपसौर और अपसौर तो याद रखना सूरत से जो नजदीक वाला पोजीशन होता है उसे क्या कहा जाता है उपसौर और जो दूर वाला है उसे क्या बोलते हैं अपसौर कहा जाता है समझ में आया बताइए बोलो 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 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पेरी हेलियन और एप हेलियन समझ में आया कि नहीं इंतजार कर रहा हूं देख लें आप लोग बता देंगे कि पेरी हेलियन और एफ हेलियन समझ में आया तो आगे हम बढ़ेंगे जो सबसे नजदीक वाले पोजीशन पे जब होती है अर्थ उसको क्या बोलते हैं पेरी हेलियन और वही दूर वाले पोजीशन पे है, तो क्या बोलते हैं उसको एपहेलियन हेलियन बोलते हैं और हम्म ठीक है उपसो ठीक है अब देखो एक बार और हाँ पृथ्वी के भी कई सारे हम लोग सैटेलाइट यहाँ से भेजते हैं ना आप लोग ये सब कॉन्सेप्ट समझ के रखना अच्छे से जब कभी आपको सैटेलाइट वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये डिटेल में बताया जाएगा कि जब सैटेलाइट यहाँ पर भेजते हैं तो वो भी ऐसा नहीं कि गोल गोल चक्कर लगाते हैं बल्कि उनका भी पाथ कुछ ऐसे ही होता है कि एक समय पृथ्वी के वो काफी नजदीक होते हैं और एक समय ऐसा आता है, है कि वो पृथ्वी के दूर हो जाते हैं कुछ इस तरीके से जैसे मान लेते हैं इसको मिटा देता हूं मैं जैसे मान लेते हैं कि ये आपका पृथ्वी है

कुछ हाइपरबोलिक टाइप का इस तरीके से पाथ होता है और इसकी वजह से एक समय ऐसा होता है कि पृथ्वी से नजदीक होती है साल में और एक समय उजाला दे रहा हूं तो हाथ मेरा पृथ्वी का एक है तो यहां पे है और दूसरे साल के अलग बिल्कुल पोजीशन पर उससे क्या हो जाएगी दूर हो जाएगी तो जो नजदीक वाला है उसको क्या बोलेंगे और जो दूर वाला होगा क्या बोलेंगे उसको उप या एपहेलियन कहा जाएगा है ना अब ये समय कब कब आता है ये समय आता है ये जनवरी जनवरी के महीने में में कौन सा पोजीशन होता है पेरीहेलियन पोजीशन होता है और जुलाई में जुलाई में आपका एपहेलियन पोजीशन होता है तो जनरली सामान्यतः तो तीन जनवरी को क्या होता है पेरीहेलियन पेरी होता है और सामान्यतः चार जुलाई को क्या हो जाता है एप हेलियन हो जाता है है या ना यानी कि उपसौर तीन जनवरी को सामान्यतः और अपसौर सामान्यतः चार जुलाई को होता है याद रखना तो आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा ये समझ लो पूछा जाएगा कि किस दिन दिन या किस डेट को सामान्यतः पृथ्वी अपने उपसौर स्थिति में होती है या आपसे कहा जाएगी पेरी हेलियन स्टेट में होती है तो क्या बताएंगे तीन जनवरी बताएंगे आपसे पूछा जाएगा कि किस स्थिति में सामान्यतः पृथ्वी अपने एपहेलियन स्टेटस में होती है या अपसौर स्थिति में होती है तो क्या बताएंगे आप उसको? आप उसको जुलाई सामान्यतः घटना है एक दिन दो दिन ऊपर नीचे भी हो जाती है जैसे कि 2024 में यह गणना की गई है कि आपका जो पेरी होगा वो दो जनवरी को होगा और एपहेलियन वो होगा वो पांच जुलाई को होगा तो थोड़ा सा चेंजेस ऊपर नीचे साल के अनुसार एक दो दिन होता रहता है लेकिन जनरल जो गणना की, की, की जाती है वो तीन और चार की गणना की जाती है बताइए समझ में आया यहां तक तो फिर हम आगे बढ़ेंगे नोट करते जा रहे हो कि नहीं जो जो फैक्ट बता रहा हूं क्या आप नोट कर रहे हैं नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं और ये समझ में नहीं आया है तो फिर से पूछ लेना ठीक है ना चलो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताए देखो मैं बहुत जल्दीबाजी में नहीं हूं आराम आराम से चलेंगे और सारे सवाल आपको करवा दूंगा ये पक्की बात है कुछ भी नहीं छूटेगा कमेंट करके बताएंगे आप लोग कमेंट नहीं आ रहे है आप लोग के क्या बात है सबके सब चाय पीने चले गए क्या चाय पीने का टाइम हो जाता है चार बजे के बाद <laughs> आगे बढ़े इजाजत दीजिए भाई चलो ठीक है नहीं बता रहे हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं मैं मान लेता हूं कि आपको कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है किसने बताया सना ने बताया कि हाँ समझ में आया एक लोगों का कमेंट आया ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग प्लेनेट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो ग्रह होते हैं ये ग्रह कौन कौन से हैं और ग्रह कैसे फंक्शन करते हैं ठीक है ना ये सब नोट है सर पिछले बैच से ही ठीक है नोट्स कर रहे हैं ठीक है अच्छी बात है चलो वेरी गुड सही है सुमित अच्छी बात है, होती है कि की, हर क्लास में आपको कुछ नई चीजें मिलती है, है ना? कुछ नया फैक्ट आपको मिलेगा तो फिर जो नोट्स आपने बनाए हैं वो नोट्स लेकर सामने बैठिए और कुछ अगर नई चीजें बताई जा रही हैं तो उनको तुरंत आप नोट कर सकते हैं वहीं पे या एक अलग पेज पे भी कर सकते हैं ठीक है तो ये तो अच्छी बात है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ मटेरियल है तो और इसमें आप एडिशन करते जाइएगा चलिए तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा प्लेनेट है सबसे बड़ा प्लेनेट वो कौन सा है सबसे बड़ा प्लेनेट है आपका वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति बृहस्पति सबसे बड़ा है ना इसके बाद सबसे जो छोटा प्लेनेट है छोटा वाला ये छोटा कौन सा है तो सबसे छोटा है आपका बुद्ध बुद्ध क्या है सबसे छोटा है इसके बाद दो चीजें मैंने बताई एक बताया टेरेस्ट्रियल प्लेनेट और मैंने बताया कि शुरू के जो चार होते हैं शुरू के चार कौन कौन से बुद्ध शुक्र पृथ्वी और मंगल ये कौन से होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं और बाद के जो चार होते हैं वो कौन से होते हैं वो उनको जोवियन प्लेनेट कहा जाता है उसमें कौन कौन से आ जाएंगे तो बृहस्पति शनि अरुण और वरुण आ जाएंगे ठीक है हाँ जी चलो तो ये कुछ फैक्ट है इनको नोट करते चले जाना जहां जो मैंने यहां पे दिया है बाकी तो पीडीएफ मिल जाएगा मरकरी के के बारे में, या बुद्ध के बारे में में या कुछ चीजें आप यहां पे नोट डाउन कर लेना की सूर्य के चारों तरफ इसका घूमने का जो समय होता है ये बुद्ध है अगर घूम रहा है सूर्य ये सन है तो इसका दिन कितना होगा अट्ठाईस दिन में सूर्य के चारों तरफ ये घूम जाता है इसका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है यानी कि प्राकृतिक रूप से इसका कोई भी उपग्रह यहाँ पे नहीं पाया जाता है ठीक हो गया इसके बाद एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसमें भेजा गया था जिसका नाम था मैरिनर टेन ये क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट है तो पूछा जा सकता है कि मैरिनर टेन जो एक आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित उपग्रह भेजा गया था वो किस ग्रह का जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट है तो किसका है वो तो आपका मर्क्यूरी का है यानी कि बुद्ध ग्रह का है ठीक है ना एक बात और एबसेंस ऑफ एटमोस्फियर यानी कि इसके ऊपर वातावरण यानी कि वायुमंडल नहीं पाया जाता वायु मंडल मंडल नहीं पाया जाता नहीं पाया जाता बोलो समझ में आया तो और सैटेलाइट कौन सा है ये मैरिनर मैरिनर ये कैसा सैटेलाइट है मैरिनर तो ये कृत्रिम है कृत्रिम कृत्रिम सैटेलाइट है याद रख लेना इसका कोई भी प्राकृतिक सैटेलाइट नहीं है कोई भी कोई भी प्राकृतिक सैटेलाइट प्राकृतिक उपग्रह उपग्रह नहीं है नहीं है और ये रिवॉल्यूशन uh, जो करती है चक्र जो चक्र चक्र लगाती है कितने टाइम में लगाती है 28 दिन में ये पूरा भ्रमण पूरा करती है भ्रमण कितने टाइम में करती है भ्रमण कुल 88 दिन में हिंदी में भी लिख दिया मैंने कई बार लोग शिकायत करते हैं कि सर हिंदी तो देखो भाई ये हिंदी है ठीक है ना तो ठीक है अब एब्सेंस ऑफ एटमोसफियर की वजह से ही आपको बताया कि सूर्य के नजदीक होने के बाद भी बुध उतना गर्म नहीं होता इससे ज्यादा गर्म कौन हो जाता है शुक्र यानी कि मरकरी हो जाता है सॉरी विनस हो जाता है सुन लो अब विनस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसको क्या बोलते हैं सिस्टर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है ये पृथ्वी का सिस्टर प्लेनेट है है ना बहन सी है बहन जैसी है मतलब कि भाई एक जैसी दिखाई पड़ती है एक ही जैसी रहती है लेकिन क्या है ये ये पृथ्वी उतना ज्यादा ब्लू प्लेनेट पृथ्वी को कहा जाता है तो पृथ्वी से ज्यादा ये गर्म है कौन सा विनस है हाँ ना तो पृथ्वी पर भी पाया जाता है क्या ग्रीन हाउस गैस एटमोस और यहां पे भी एटमोस्फियर पाया जाता है और पृथ्वी पे लेकिन सन से क्या दूर है इस वजह से उतनी गर्म नहीं होती है जबकि ये जो विनस है या शुक्र है पृथ्वी से क्या नजदीक है इस वजह से ज्यादा गर्म हो जाती है ठीक है ना अब एक चीज याद रखना है कि ये इसका जो रोटेशन होता है इसका जो रोटेशन होता है वो रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट होता है भाई बताओ पृथ्वी का जो रोटेशन होता है वो कैसे होता है पृथ्वी का रोटेशन वेस्ट ईस्ट होता है बच्चों है ना पृथ्वी का रोटेशन कैसा होता है वेस्ट ईस्ट अरे यही तो कारण है कि सुबह उठते तो सूरज किधर उगता है पूरब में उगता है ईस्ट का इधर क्या मतलब ईस्ट टू वेस्ट होने का मतलब कि इसका जो रोटेशन होता है पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है पश्चिम है ना जो आपने घूर्णन रोटेशन का मतलब क्या हो गया घूर्णन 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 किधर से किधर होता है पूर्व से पश्चिम किसका विनस का यानी कि शुक्र ग्रह का शुक्र ग्रह का जबकि पृथ्वी की बात करूं मैं यहां पे पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो कैसे होता है ये वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है इसी वजह से जब सुबह उठते हो तो सूरज जो है पूरब में उगता दिखाई पड़ता है और बाद में चूंकि देखो जैसे मैं मान लू यहाँ पे कि ये आपका सूरज है आप यहाँ पे जब जगे तो सबसे पहले सूरज दिखाई पड़ा पूर्व में सीधे सीधे है ना फिर पृथ्वी ऐसे घूमी घूम कर आई तो पीछे वाला हिस्सा बाद में आया यानी पश्चिम वाला हिस्सा बाद में आया तो रोटेशन कैसे हो गया पश्चिम से पूरब की तरफ तो पृथ्वी का याद करना कि पृथ्वी जो होती है जो घूर्णन कर रही है रोटेट हो रही है वो कहां से पश्चिम से पूर्व की तरफ हो रही है जबकि शुक्र वहीं पे जो होता है ये कैसे होता है ये पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रखना है आपको ठीक है बोलो समझ में आया इतना आगे बढ़े इसका जो पूरा रिवॉल्यूशन टाइम होता है है ना जो भ्रमण काल होता है भ्रमण ये कितना होता है ये 225 दिन यानी कि बुध से ज्यादा हो गया ये आत्मान में सूरज और चंद्रमा के बाद किसके बाद सूर्य और सूर्य और चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे ब्राइटेस्ट यानी कि सबसे चमकीला वस्तु है जो पाया जाता है ठीक है ना चलो आगे बढ़े हम लोग तो सबसे क्या है ये चमकीला ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है चलो आगे बढ़ते हम लोग इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है और इस पे ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं और दो सो पच्चीस दिन मेरे यहाँ पे मुझे पता था अगर आप कह रहे हैं कि दो दिन में करता है तो मैं इसको चेक करूंगा हो सकता है कुछ, कुछ मिस्टेक मुझसे ही हो रहा हो ठीक है मैं चेक कर लूंगा कोई भी अगर गलती है तो उसको सुधारना अच्छी बात है लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्रीन हाउस पाई जाती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इस पे और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है हीट ट्रैप ही करने का काम करती है और अगर हीट ट्रैप हो रहा है तो वहां पे क्या होगा गर्मियां बढ़ेंगी एक बार और लोग जितने लोग हैं एक बार कमेंट करके जरा मुझे बता दो कि शुक्र का परिभ्रमण काल कितना होता है दो सौ पच्चीस है या दो सौ तिरालीस है तो मैं यहीं पे तुरंत अभी चेंज करके बता दूंगा आपको या फिर मैं खुद चेक कर लेता हूं आ... रिवॉल्यूशन ऑफ विनश 225 ही है भाई <laughs> सना जी 225 सर्च मारो गूगल बाबा से पूछो है ना कितना है 225 दिन ही है सही आंसर यही होगा सुमित तो ने बताया 225 दिन ही है ठीक है नहीं नहीं 243 नहीं है चेंज कर लो सना 225 है ठीक है आप लोग चक्कर में कंफ्यूजन हो जाएगा मुझे भी जो मुझे याद है वो याद रहने दो अब चलो आगे बढ़ते हैं अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा अर्थ की तीसरे नंबर पर जो हमारी प्लेनेट आती है पृथ्वी इसको क्या बोलते हैं ब्लू प्लेनेट कहा जाता है नीला ग्रह क्या बोलते हैं नीला ग्रह कहा जाता है ठीक है ना चलो नीला ग्रह कहेंगे और ये पांचवें नंबर पे अगर इसकी जो है देखा जाए कि बड़ा है तो किस नंबर पे का ग्रह है बड़ा, अगर इसको बड़ा कहा जाए तो, तो ये पांचवें नंबर का बड़ा ग्रह है और इसका जो परिक्रम भ्रमण काल होता है भ्रमर जो करता है यानी कि रिवॉल्यूशन जो करता है पृथ्वी रिवॉल्यूशन जो करती है अर्थ रिवोल वो तीन सही एक बटा चार दिन में करती है और इसी वजह से आपके जो साल के दिन होते हैं तीन और हर चार साल के बाद एक दिन बढ़ाते हैं तीन वाला तो इस बार तीन वाला चल रहा है राखी ने भी बता दिया हाँ दो स्टूडेंट एटलस में दो दिन है सर अरे तो हटा दो ना किताबों में कई बार गलत होती है चीजें बात समझ में आई कई बार आप क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पे आंसर भी किताबों में बहुत सारा गलत दिया होगा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हमेशा परफेक्ट ही रहूंगा हो सकता है कि सम टाइम आई विल मेक मिस्टेक या कभी मेरे टंग स्लिप हो जाए बट कोशिश हम लोग ये करते हैं कि किताबों में भी अगर कुछ गलतियां दी गई है तो लेक्चर में उन गलतियों को सुधारा जा सके हमारे कम से कम जो स्टडी मटेरियल आपके पास जा रहे हैं वो ज्यादा एक्यूरेट हो है हाँ ना तो आप अपने टीचर पर भरोसा रखिए ठीक है मुझे भरोसा रखिए मैं तो बहुत सारी चीजें जो देखता गलतियां कहाँ किताबों में है। उनको छाट के निकालने का प्रयास करता हूं हमेशा हाँ सुमित अग्रवाल भी कह रहे हैं कि गूगल बाबा के पास भी यही रिकॉर्ड है ठीक है ना सर कौन सा टेलीग्राम चैनल है पूछ रहे हैं राकेश तिवारी जी राकेश जी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे यूट्यूब पर चले जाइए आप हमारे चैनल के ऊपर यूपी पीसीएस के ऊपर वहां पे कोई भी वीडियो खोलिए उस वीडियो के नीचे देखिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई पड़ेगा आप उस पर क्लिक करिए सीधे ग्रुप में पहुंच जाएंगे क्या दिक्कत है है ना वेरी इजी चले आगे बढ़े हम लोग तो पृथ्वी के बारे में ये बता। बाकी तो पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं तो पृथ्वी के बारे में डिटेल समझेंगे डिटेल जानेंगे पढ़ते रहेंगे इसके बारे बारे में में आ जाओ थोड़ा सा मंगल 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 कर लेते हैं मंगल, है ना चलो तो ग्रह के बात करें तो इसको क्या कहा जाता है रेड प्लेनेट कहा जाता है रेड प्लेनेट कहते हैं और इसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है सबसे जो ऊंचा जो पॉइंट इसके ऊपर है भारत भाई पृथ्वी में सबसे ऊंचा कौन सा पॉइंट है बताओ सबसे हाईएस्ट कौन सा है तो पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची छोटी कौन सी माउंट एवरेस्ट तो वैसे यहां पे जो हाइएस्ट है वो क्या है निक्स क्या नाम है ओलंपिया निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा है ठीक है ना और अगर ये पूछा जाता है कि किस ग्रह पे जीवन होने की संभावनाएं है उसकी तलाश की जा रही है पानी होने की भी संभावना पानी तो तलाश लिया गया है पानी के स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ पे मिले हैं तो जीवन होने की संभावनाएं किस पे है तो आपके मार्स पर ही है है ना मार्स पर जीवन होने की संभावनाएं हैं और आपको याद होगा कि एक मिशन हम लोगों ने लॉन्च किया था मॉम मार्स ऑर्बिटल मिशन मॉम लॉन्च किया था तेरह में चौदह में जाकर पहुंच गया तो अभी भी परिक्रमा कर रहा है तो कुछ कुछ चीजें बताता रहता है वो शायद हमें नहीं बताई जाती है ठीक है ना अग्रवाल नहीं अग्रहरी कोई नहीं सही नहीं पढ़ता इसे ठीक है हाँ अग्रहरी जी ठीक है अग्रहरी जी ने तो एक किताब भी लिखी थी बहुत अच्छी थी ठीक है ना तो अब मैं आप चलो याद दिला दिया आपने अब अग्रहरी जी हैं ठीक है सुमित जी हाँ है वो मरकरी का भी घुर्डन है वो 58.65 है और परिक्रमण अट्ठासी है सही है बिल्कुल सही है राखी गुप्ता अग्रवाल है ठीक है चलो भाई यहाँ पे आप लोग टाइटल से ही लड़ रहे हैं पता है आपको टाइटल्स ये तो चलो हमारे पास टाइटल्स है बाकी भारतीय संविधान में टाइटल्स को समाप्त कर दिया गया है है ना बताओ जरा कौन से आर्टिकल में टाइटल्स को समाप्त किया गया है मिशन मंगल ठीक है मिशन मंगल मूवी देखकर हो तो ये तो तो याद रखना रेड प्लेनेट है इसका हाईएस्ट पीक क्या है निक्स ओलंपिया है और यहाँ पे जीवन होने की संभावनाएं पाई जाती है आगे हम जुपिटर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा बृहस्पति की बृहस्पति बृहस्पति की अगर हम बात करें तो ये जो है 11.9 ईयर पृथ्वी का है ना पृथ्वी का 11.9 ईयर का समय लगता है इसको इसको पूरा एक चक्कर लगाने में ये सबसे बड़ा प्लेनेट है सबसे सबसे बड़ा सबसे बड़ा प्लेनेट है है ना और इसका जो सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है सबसे बड़ा सैटेलाइट बड़ा उपग्रह उपग्रह इसका नाम क्या है इसका नाम है गैनीमेडी क्या नाम है गैनी मेडी गैनीमेडी इसका नाम है और इस पे कौन से गैसें पाई जाती हैं तो हाइड्रोजन हीलियम ये इसको जरूर याद रखना मेथेन और अमोनिया मेथेन और अमोनिया बड़ी मात्रा में पूछा जाता है कि मेथेन और अमोनिया किस ग्रह पे बड़ी मात्रा में पाई जाती है तो ये कौन सा ग्रह है बृहस्पति ग्रह पे ये बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है ठीक है ना आर्टिकल अठारह है शायद ठीक है उपाधियों तो का अंक वेरी गुड सही बताया सभी ने ये हो गया और इस एक बार याद रखना आपको आपके ऊपर कुछ प्रेशर है क्या बताओ जरा आपके ऊपर आप चलते फिरते ऐसे ही नॉर्मल स्थिति में रहते हैं और फिर भी आपके ऊपर एक प्रेशर हमेशा बना रहता है बताइए कौन सा प्रेशर आप किसी दिन बहुत खुश भी रहते हैं उस दिन भी आपके ऊपर वो प्रेशर रहता है वो कौन सा प्रेशर है वो एटमोस्फियरिक प्रेशर है वायु वायुमंडलीय दबदाब है तो आपके ऊपर हमेशा एक वायुमंडल का दाब होता है और उसके अलावा भी बहुत सारे दाब रहते ही हैं कभी मम्मी का दबाव कभी पापा का दबाव भाई बहन का दबाव और सबसे ज्यादा तो पड़ोसियों का दबाव रहता है है ना घर पे अगर पहुंचे नहीं छुट्टियां अगर मना रहे हैं आप घर पे पहुंचे छुट्टी में अगर बाहर रहते हैं तो तो सबसे पहले पूछा जाता है कि बचवा क्या करत हो है? क्या कर रहे हो बताओ अपना नहीं बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं पहले आपसे जरूर पूछेंगे क्या कर रहे हो तो ठीक है बताते क्या करें बेरोजगार लोग को बोले भी नहीं कुछ निकलता है तो बेरोजगारी गलत चीज है जल्दी से एग्जाम देकर निकालना इस, इसको तो ठीक है तो ये क्या है जैसे पृथ्वी का एक एटमोस्फेयरिक प्रेशर होता है वैसे ही अगर यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच चले जाओ आप जुपिटर के तो आपके ऊपर टेन मिलियन एटमोस्फियरिक प्रेशर होगा समझो कुछ निकल जाएगी यहाँ पे जाओगे तो ठीक है इतना ज्यादा प्रेशर है अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो दब जाओगे छोटे हो जाओगे और ठीक है ठीक है एनी वे तो, anyway, तो इसमें कितना होता है टेन मिलियन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग इसके ऊपर होता है और एक चीज और इसके पास इसका खुद का रेडियो एनर्जी होता है रेडियो ऊर्जा इसका खुद का होता है तो याद रख लेना आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन से ग्रह की खुद की रेडियो एनर्जी ऊर्जा होती है ठीक है <laughs> पड़ोसी क्या बम फेंकने का मन होता है ठीक है ऐसा मत करना पड़ोसी के घर में भी हो सकता है बच्चे हो तो उनका भी मन ऐसा करता हो ठीक है तो फिर तो ये क्या होगा कि आपने पड़ोसी के घर में भी फेंका पड़ोसी के बच्चे ने आपके घर में फेंक दिया मामला बिगड़ जाएगा ठीक है चलो <laughs> तो ठीक है तो ओन रेडियो एनर्जी यानी कि अपनी खुद की रेडियो ऊर्जा किस ग्रह की होती है तो बृहस्पति ग्रह की अपनी खुद की रेडियो ऊर्जा होती, तो होती है आओ आगे बढ़ते हैं इसमें शटन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा यानी कि यह है आपका शनिग्रह शनिग्रह तो शनिग्रह को एक चक्कर लगाने में उन्तीस दशमलव पांच साल का समय लगता है कितना साल पृथ्वी का उन्तीस दशमलव पांच साल होता है तो आप लोग तीन सौ पैंसठ से गुड़ा करके सब समझ सकते हैं ठीक है ना ठीक <laughs> एक दो हाँ बट सिलेक्शन वाला बम हाँ सिलेक्शन वाला ही बम फेंकना ठीक है वेरी गुड ये जुपिटर गैसियस स्टेट में है ठीक है ना जुपिटर मोस्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट जुपिटर का कैसा है गैसियस स्टेट में है तो यहाँ पर शनि की बात करें शनि उन्तीस दशमलव पांच साल में क्या करता है एक भ्रमण उसका परिभ्रमण करता है ठीक है ना गैसियस ग्लोब है और सबसे बड़ी चीज इसका स्ट्रक्चर इस गैलेक्सी लाइक होता है यानी ये शनि ग्रह है है ना ये शनि ग्रह है और इसके चारों तरफ इस तरीके का एक छल्ले जैसा आकृति दिखाई पड़ती है है ना ये छल्ले जैसी जो आकृति दिखाई पड़ती है यही शनिग्रह तो वही कहा जा रहा है कि गैलेक्सी लाइक प्लेनेट कौन सा है तो गैलेक्सी के जैसा प्लेनेट पाया जाता है कौन सा शनि ग्रह है है हाँ ना और इसमें जो सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट की जो संख्या है यहां पर आपको बयासी देखिए एक बार इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगा क्योंकि नई डेटा के हिसाब से कुछ चेंजेस हुए हैं शायद बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट हो गए हैं है हाँ ना तो इसको मैं एक बार चेक करूंगा क्या क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी जल्द ही में कुछ खोज हुई है और मैं करंट अफेयर में पढ़ रहा था तो उसके हिसाब से इसको मैं अपडेट करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोड़ेंगे यहां पे इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है, है ना उसका नाम क्या है टाइटन तो सबसे शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह उपग्रह वो कौन सा है टाइटन टाइटन याद रख लेना तो ये कुछ फैक्ट है इन फैक्ट को क्या करना है आपको याद करके रखना है अब आगे बढ़े हम थोड़ा सा अब हम थोड़ा यूरेनस के बारे में चर्चा कर लेते हैं यूरेनस यानी कि अरुण अरुण के बारे में इसको लाइंग प्लेनेट कहा जाता है लाइंग प्लेनेट का मतलब है कि ये जो है लेटता हुआ प्लेनेट है बोला जाए कि कौन सा प्लेनेट ऐसा लग रहा है कि वो लेट गया है तो कौन सा प्लेनेट ऐसा लगता है ये आपका अरुण तो ऐसे याद रखना अरुण जो है क्या है लेट गया तो लाइंग प्लेनेट इसको कहा जाता है और ये कुल चौरासी साल पृथ्वी का चौरासी वर्ष लेता है किसके लिए परिभ्रमण करने के लिए एक पूरा का पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए ठीक है ना और ये भी पूर्व से ये भी पूर्व से पश्चिम की तरफ है या क्या करता है चक्कर घूर्णन करता है तो दो प्लेनेट बाकी सारे के सारे प्लेनेट जितने भी है वो पश्चिम से पूरब की तरफ क्या करते हैं घूर्णन करते हैं और जबकि आपके विनस और ये जो है यूरेनस है ना जो दोनों नस हैं विनस और यूरेनस दोनों नस उल्टा चलते हैं समझ लो यानी कि इनका परिभ्रमण कैसा था पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है याद रहेगा बाकी सब सीधा चलेंगे लेकिन जहां नस है दोनों वो उल्टा चलेंगे यानी कि आपका एक तो शुक्र और अरुण ये दोनों किधर से किधर से पश्चिम की तरफ ये चलते हैं सबसे लास्ट में आपके पास है नेपच्यून नेपच्यून को कुल जो समय लगता है वो एक वर्ष का लगता है और यह हल्के हल्के पीले रंग का होता है हल्के पीले रंग का होता है याद रखना हल्के पीले रंग का तो ये इस तरीके से हमने सारे प्लैनेट्स और उनके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारियां देखी अब जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यह बताऊंगा कि पृथ्वी का जो की जो संरचना है इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसी है और उसके बाद हम फिर लैटिट्यूड और और यानी कि देशांतर की एक बार चर्चा कर लेंगे जब तब उसके बाद फिर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी पूरी हासिल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी है ना बोलो भाई समझ में आया सारी चीजें जितने भी पढ़ाया है मैंने ठीक है तो ठीक है आ, आप लोग तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े ही हैं बाकी लोगों को भी आप बताइए इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग जुड़े हुए हैं कुछ क्लासेस अभी जो स्टार्टिंग में है थोड़ी सी स्लो चलेंगी फिर हम जानते हैं स्पीड धीरे धीरे पकड़ेंगे लेकिन सारी चीजें आपको एक एक चीज क्लियर करके चलूंगा अगला एग्जाम जो भी होगा आपका उसके लिए ज्योग्राफी के लिए निश्चिंत हो जाइए मैप एक्सरसाइज से लेके सारी जो क्वेश्चन कराने का है सब बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा ठीक है ना और जैसे-जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा उस, उस चैप्टर का के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा तो साथ में एक भी क्लास मिस नहीं करना आप जब भी खास करके जब क्वेश्चन आंसर का समय आए तो उस टाइम पे एमसीक्यू सॉल्व कराया जाए तो जरूर प्रेजेंट रहना ठीक है ना बाकी ये तो क्लासेस आप बाद में भी एक बार देख सकते हैं लाइव रहने का अपना अलग मजा है कि आप मुझसे बात भी कर सकते हैं तो देखते हैं हां भाई ठीक है क्लास अच्छी लगी तो एक बार जरूर से बता देना कमेंट में आज क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए सिंप्लीफाई यूबीपीसीएस के, के लिए जुड़ने के लिए जय हिंद जय भारत